हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे नोटिस राइटिंग। क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने सैंपल पेपर जारी किया था। उस पेपर से हमने 2 मोस्ट इंपोर्टेंट नोटिस आप कहें हमने लिए हैं। ये प्रैक्टिस वीडियो है, हम प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से आप नोटिस राइटिंग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, यू हैव फाउंड ए पर्स इन द स्कूल कैंपस, Write a notice for the lost and found board of the school. आपको स्कूल कैंपस में एक पर्स मिला है, उसकी जानकारी, उसकी सूचना, उसकी इंफॉर्मेशन आपको स्टूडेंट्स को देनी है, या स्कूल में जो भी लोग हैं, चाहे टीचर्स हो, जो भी लोग हैं, सभी को आपको ये सूचना देनी है। तो स्कूल के लॉस्ट एंड फाउंड बोर्ड पे आपको ये नोटिस लगाना है। लॉस्ट एंड फाउंड बोर्ड का मतलब नोटिस बोर्ड ही है। अब देखिए, हम लिखना जब स्टार्ट करते हैं तो आपको कैपिटल अल्फाबेट्स का यूज करके ये कैपिटल जो है आपने ये वर्ड्स जो है बनाने हैं, कैपिटल अल्फाबेट्स का आप यूज करेंगे। यहां एबीसी स्कूल, जैसे आपने लिखा एबीसी स्कूल का मतलब है उस स्कूल या संस्था का ये नेम है जिसने ये नोटिस लगवाया है या जिसके नोटिस बोर्ड पे ये नोटिस लगा हुआ है। अगर कोई प्लेस का नेम आपको यहां मेंशन करना है, एबीसी स्कूल रोहतक है, एबीसी स्कूल न्यू दिल्ली है, तो वो आप यहां आगे ऐड कर सकते हैं, एबीसी स्कूल। नेक्स्ट लाइन में आपने लिखा नोटिस, जैसे ही आपने यहां नोटिस लिखा है, मेंशन किया है, जैसे रिपोर्ट राइटिंग में आप लिखते हैं रिपोर्ट, तो तुरंत देखने वाले को, पढ़ने वाले को पता लग जाता है कि ये नोटिस है। और नोटिस का जो मकसद होता है वो कम से कम वर्ड्स में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैसेज को कन्वे करना होता है। नोटिस राइटिंग जब आप करते हैं तो 50 वर्ड्स की आपके पास लिमिट रहती है, 50 शब्दों में ही आपको अपनी बात पूरी करनी होती है। ज्यादा अगर आप लेंथ लेके जाते हैं, ज्यादा आप बड़ा नोटिस लिखते हैं, तो आपके जो मार्क्स हैं वो कट हो जाते हैं, मार्क्स जो है आपके डिडक्ट कर लिए जाते हैं। तो नोटिस राइटिंग आपको 50 वर्ड्स में ही लिखनी है। आपने यहां नोटिस लिखा, उसके बाद आपने लिखा लॉस्ट एंड फाउंड, ये टाइटल है, इस नोटिस का शीर्षक है, ताकि जो भी लोग नोटिस देख रहे हैं उनको क्लियर हो जाए कि नोटिस किस बारे में है। अगर क्रिकेट मैच के बारे में है तो क्रिकेट मैच आप लिखेंगे, लॉस्ट एंड फाउंड का है तो लॉस्ट एंड फाउंड आप यहां पर लिखेंगे, ब्लड डोनेशन कैंप का है तो ब्लड डोनेशन कैंप आप यहां पर लिखेंगे। उसका मकसद क्या हुआ, जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे आगे का नोटिस केवल वही लोग पढ़ेंगे, बाकी लोग वहां पर भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे। चलिए, यह आपका टाइटल हो गया, क्योंकि देखिए अगर फाउंड का है तो भी आप लॉस्ट एंड फाउंड टाइटल लिखें, अगर लॉस्ट का है तो भी आप लॉस्ट एंड फाउंड ये टाइटल लिखेंगे, एबीसी स्कूल नोटिस लॉस्ट एंड फाउंड। और ये होगी आपकी डेट, यहां आपने डेट मेंशन कर दी जिस दिन नोटिस लगाया गया है। लिखना हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल आप स्पेसिफिक एक लैंग्वेज यहां रखें, एक फॉर्मेट को आप फॉलो करें, तो किसी भी टाइप के जो नोटिस होंगे उनको बड़ा इजीली आप लिख सकते हैं। इट इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट, इट इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट, सभी छात्रों को सूचना दी जाती है कि आई फाउंड ए पर्स समवेयर इन द स्कूल कैंपस, कि मुझे स्कूल कैंपस में कहीं एक पर्स मिला है। यहां आपने फुल स्टॉप लगाया, उसके बाद आपने लिखा द ऑनर इज सजेस्टेड टू गेट इट फ्रॉम स्कूल ऑफिस बाय गिविंग सुटेबल डिस्क्रिप्शन या सुटेबल डिटेल्स, DETAILS, यानी कि जो ऑनर है इस ये पर्स, जिसका भी है, जिस भी स्टूडेंट का ये पर्स है, वो स्कूल ऑफिस से ही अपना पर्स लेके जा सकता है, जो रिक्वायर्ड सुटेबल आप कहें, या जो रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं, जो आपसे डिटेल्स पूछी जाएंगी, वो डिटेल्स देकर, वो जानकारियां आप देकर अपना पर्स स्कूल ऑफिस से ले सकते हैं। यहां आपने एक्स वाई जेड लिखा है, अगर नोटिस को लिखने वाले स्टूडेंट का कोई नेम है तो वो नेम आप यहां मेंशन कर देंगे। स्कूल में आपकी जो पहचान होती है, आपकी रोल नंबर क्लास और सेक्शन से होती है, तो यहां आप लिख देंगे रोल नंबर 12 क्लास 12 ए या बी सी, कोई भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। जब आपका नोटिस कंप्लीट हो जाता है तो आप उसको चारों तरफ आप बाउंड्री लगा दें, ये अच्छा रहता है। एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं, एबीसी स्कूल नोटिस लॉस्ट एंड फाउंड, यहां पर डेट आ गई, इट इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आई फाउंड ए पर्स समवेयर इन स्कूल कैंपस, द ऑनर इज सजेस्टेड टू गेट इट फ्रॉम स्कूल ऑफिस बाय गिविंग सुटेबल डिस्क्रिप्शन। यहां आपने अपना पता दिया है, जानकारी दी है अपने बारे में कि इस नोटिस को लगाने वाला, इस नोटिस को देने वाला कौन, एक्स वाई जेड, ये नेम है, कोई नेम दिया है तो आप एक्स वाई जेड की जगह वो नेम यहां लिखेंगे। यहां आपने रोल नंबर लिखा, यहां क्लास और आपने
सेक्शन यहाँ पर मेंशन कर दिया, स्कूल में यही आपकी आइडेंटिटी, यही आपकी पहचान हुआ करती है। सेकेंड आपका नोटिस है, राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड ऑफरिंग टू सेल योर सेकेंड हैंड क्लास 11 बुक्स एट वेरी नॉमिनल प्राइस, एक बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पे कम से कम दाम पर क्लास 11 की जो है सेकेंड हैंड बुक्स हैं वो आपने सेल करनी है, वो आपने बेचनी है। तो वो आप कैसे नोटिस लिखेंगे, देखिए एबीसी स्कूल नोटिस और यहां टाइटल देखिए आपने लिखा सेकेंड हैंड बुक्स फॉर सेल, या आप लिख सकते हैं बुक्स फॉर सेल, ये टाइटल आपका हो गया। यहां पर आपने डेट मेंशन कर दी है, आगे आप लिखते हैं इट इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 या इट इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट, वो लाइन भी ऐसे कैसे आप लिख सकते हैं इट इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट या इट इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 दैट आई हैव अ कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स ऑफ साइंस स्ट्रीम, मेरे पास विज्ञान संकाय की जो पुस्तकों का एक पूरा सेट है, द बुक्स आर इन गुड कंडीशन, ये जो किताबें मेरे पास हैं ये बहुत अच्छी हालत में हैं, आई विश टू सेल दीज सेकेंड हैंड बुक्स, या खाली आप बुक्स भी लिख सकते हैं आई विश टू सेल दीज बुक्स एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस, बिल्कुल उचित दाम पर कम से कम मूल्य पर मैं इन पुस्तकों को बेचना चाहता हूँ, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टेक्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, जिस भी छात्र की इन किताबों को खरीदने में रुचि हो वो यथासंभव जितना जल्दी हो सके मुझसे संपर्क कर सकता है, या फिर आपने एक्स वाई जेड रोल नंबर और क्लास सेक्शन आपने यहां पर लिखा है, तो एक्स वाई जेड का मतलब हुआ आपका नेम, कोई नेम दिया गया तो आप यहां पर नेम लिखेंगे, आपने रोल नंबर मेंशन कर दिया, आपने क्लास और सेक्शन यहां पर मेंशन कर दिया है। दोबारा से एक बार देख लेते हैं एबीसी स्कूल नोटिस सेकंड हैंड बुक्स फॉर सेल या खाली बुक्स फॉर सेल, यहां पर आपने डेट लिखा इट इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 दैट आई हैव अ कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स ऑफ साइंस स्ट्रीम, द बुक्स आर इन गुड कंडीशन, आई विश टू सेल दीज सेकंड हैंड बुक्स एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मे कॉन्टेक्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, यहां फिर आपने एक्स वाई जेड रोल नंबर 12 क्लास 12 ए ये लिखा, पूरा नोटिस जब आप लिख देते हैं तो आप इसके चारों तरफ बाउंड्री लगाएंगे। स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं ये नोटिस राइटिंग जो 2 एग्जाम्पल्स हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं आपको समझ में आए होंगे, आपके एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल रहेंगे। थोड़ा हम साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे, आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।